नगर निगम चुनावों को लेकर बीजेपी की तैयारियों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी जी है। मनोज जी, कल हुए पंच परमेश्वर सम्मेलन में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जो हाल में हुए विधानसभा चुनावों में जीत के लिए जो है बूथ लेवल कार्यक्रमों को उन्होंने कहा कि उसकी वजह से हम इतनी बहुमत से जीत पाए, तो ये प्रयोग बीजेपी दिल्ली में भी करने जा रही है, यही बीजेपी की रणनीति होगी? देखिए, बूथ हमेशा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बूथ सबसे अंतिम कड़ी है और कहते हैं ना कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। तो गुड गवर्नेंस के साथ बीजेपी चल रही है, गरीबों को खुशियां देने के लिए, मजदूरों को, युवाओं को, महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, व्यापारियों को राहत देने के लिए सारी कवायद हो रही है। तो ऐसे में जो झूठे और प्रपंची लोग हैं जिनको झूठा वादा करने में, झूठ बोलने में जरा भी संकोच नहीं होता, ऐसे लोगों को रोकना भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा उद्देश्य है। पटियाला हाउस कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों के खिलाफ डिफेमेशन का मुकदमा चलाने के लिए कहा है, इसे लेकर ये मतलब एक तरीके से अरुण जेटली उन पर भारी पड़ रहे हैं कोर्ट में। देखिए, अरुण जेटली जी तो इतने भारी हैं कि कहीं वो गलती से भी अरविंद केजरीवाल उनके चपेटे में आए तो चकनाचूर हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल का जो नियत और पॉलिसी है ना, उसमें कानून इनको सजा देगा देगा और बहुत बड़े स्तर पे देगा। आने वाले दिनों में अगर अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे भी हों तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मनोज जी, एक आखिरी सवाल, एक जानकारी ये भी आ रही है कि बीजेपी के पास टिकट के जितने भी दावेदार आए हैं उनमें से हर वार्ड से 15 लोगों को चिन्हित किया गया है, उसके बाद फिर अंतिम उम्मीदवार का चयन होगा, तो ये कब तक टिकट की घोषणा हो सकती है बीजेपी में एमसीडी चुनाव के लिए? अब ये आखिरी फेज में चल रहा है, कल तक सारी चीज़ें पूरी कर ली जाएंगी। आशा रखिए 28 तारीख को एक लिस्ट आएगी। ये थे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी, जिनका ये कहना था कि 28 तारीख को बीजेपी अपनी एमसीडी चुनाव के लिए पहले लिस्ट जारी करेगी। कैमरा पर्सन संदीप लोहिया के साथ योगेश, APN दिल्ली।